सो जहां तक वैक्सीन की बात है राइट, हमें बेसिकली क्या बताया गया है कि वैक्सीन सुरक्षित है और प्रभावी है। अब एक टाइम पे कॉल कर रहे थे तो लिटरली यू नो ये रिपीट पे चल रहा था कि वैक्सीन 100% सेफ, एक मिनिस्टर का कोट आया था वैक्सीन इज 200% सेफ। सो ऐसी सारी चीजें हमें बताई गई है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो अभी वैक्सीन से डैमेज हो रहा है और जो लोग वैक्सीन से बीमार होकर हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो लोग एक्चुअली हॉस्पिटल में लोड पैदा कर रहे हैं। और बिकॉज जो मैंने आपको डायग्नोस्टिक के बारे में समझाया ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचो सना कोई वैक्सीन लेने के बाद अगर 2 घंटे के बाद मरता है सो हार्ट अटैक, बट अगर कोई हार्ट का पेशेंट उसको पॉजिटिव कोविड टेस्ट आ गया सो वो कोविड से मरा। सो हमारी जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेम नहीं है। अगर आपका वो डायग्नोसिस क्राइटेरिया कोविड के लिए है तो आप वैक्सीन के लिए भी उतना ही लूज रखो ना। करेक्ट सो करेक्ट वन हैंड वो लोग कोविड के डेथ एग्जैजरेट कर रहे हैं और जो वैक्सीन से एक्चुअली में लोग मर रहे हैं उनको डिमिनिश कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट आई एम सीइंग, कि यू नो इतने सारे हम पोस्ट वैक्सीन डेथ्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये इसका टर्म गवर्नमेंट के बारे में बात करें। और ऑफिशियली अभी हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यहाँ पे ओवर 250 लोग वैक्सीन लेने के बाद मर गए और ये अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। बट ये ऑब्वियसली क्वेश्चन है जो लोगों को पूछने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई मरा है या कोई नहीं मरा है, हाउ व्हाट इज द बेसिस, ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये सिर्फ फिर एक्सपर्ट्स पे बात आ जाएगी, इनको ट्रस्ट करो ये डिसाइड करेंगे। सो मैं इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देना चाहूंगा कि मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 2017 में एक यू नो पीडियाट्रिशियन थे जो हमारी देश के मतलब वैक्सीन के एडवाइजरी ग्रुप में बैठे थे जो रेकमेंड करते थे कि भारत में कौन से वैक्सीन होने चाहिए, उनका नाम जेकब। सो उन्होंने दो हजार फिर से बोला जेकब, जेकब पुलियाल, ओके जेकब सो पुलियाल, उनका 2017 में आर्टिकल था वायर में, उनका आर्टिकल नहीं था पर उनको कोट किया गया था। और ओके वो तब कह रहे थे कि जो भी डेथ जो भी मृत्यु होती है भारत में वैक्सीन के बाद इसको कोइंसिडेंस माना जाता है ऑफिशियली गाइडलाइन के हिसाब से, और अगर कोई किसी को वैक्सीन होने के बाद कुछ एडवर्स इवेंट हो गया और वो रिकवर हो गए तब ये लोग कंसिडर करेंगे कि मे बी ये वैक्सीन से हुआ, पर अगर वैक्सीन लेने के बाद कोई मरता है सो इट इज अ कोइंसिडेंस, मतलब वैक्सीन का लिंक नहीं था उससे, ये हमारी बेसिकली गाइडलाइन वो गॉट इट 2017 से ये हमारी गाइडलाइन है। आप इसके बारे में वायर में जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हो। सो मैं पॉइंट यही है कि ये वैक्सीन के जो ट्रायल्स है इसमें बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। पहली बात तो मैं कह दूं कि आप क्यों ऐसे प्रोडक्ट को ट्रस्ट करोगे जहां पे आप जिसने बनाया है उसको आप कोर्ट में लेके जा नहीं सकते। सो ये वैक्सीन बिल्कुल मैन्युफैक्चरर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचोगे अभी जो लोग देख रहे हैं अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद कुछ हो गया, ओके ये मैं कह दूं कि हमारे जो भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड दी जा रही है ये 17 देशों में अभी बैन की गई है, क्योंकि बैन इसका की ब्लड गई क्लॉट, वैक्सीन, इसका बिल्कुल ब्लड क्लॉट और वैक्सीन का लिंक ये सामने तो आया मुझे है, पता नहीं है, या ये 17 देशों ने बैन किया है। सो अगर आपको ऐसा कोई इश्यू होता है तो आप इसके बारे में कोर्ट में जा नहीं सकते। और ये हमें कैसे पता है, किसी ने गवर्नमेंट ने आरटीआई फाइल किया था कि अगर वैक्सीन लेने के बाद मुझे कुछ हो गया तो क्या मुझे कोई कंपनसेशन मिलेगा, मतलब क्या गवर्नमेंट कुछ यू नो पैसा देगी हमको अगर कुछ हो गया हमारी फैमिली को। बिल्कुल सो गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया था कि नहीं हम आपको पैसा नहीं देंगे क्योंकि वैक्सीन आपकी मर्जी से आप ले रहे हो। सो एक साइड पे वो लोग वैसा कहकर प्रमोट कर रहे हैं वैक्सीन को, और दूसरी साइड पे ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी दुकान खोलनी है तो आपको वैक्सीन लगाना है, अगर आपको औरंगाबाद में ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं कि यू नो मे बी आपको घर से बाहर निकलना है तो वैक्सीन लगाना है, तो ये मैंडेटरी ही यहाँ होता है बहुत सारे एम्प्लॉयर। पे सॉरी सॉरी, लेकिन मैंने अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प है उनसे बात करके देखी और उनसे पूछा आपके गांव में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे जानना है, मैं चाहता हूँ जितने लोगों को हेल्प किया जा सके हम कर सके। उन्होंने बोला कि उनके गांव में क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं राशन कार्ड नहीं दे रहे, खाना नहीं देंगे जब तक वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तो ये कैसा कंडीशन लगा रहे हैं, ये बहुत गलत है। आप खाना तो दीजिए कम से कम लोगों को, लोगों को जीने तो आप ऐसे बिना बिना खाना दिया आप लोगों को मार रहे हो, ये तो गलत है ना। इसमें फिर आपका एजेंडा क्या है, आपका पर्पस क्या है, इसमें क्यों कर रहे हैं लोग। तो ऐसा ऐसा ऑर्डर कश्मीर में भी इश्यू हुआ था जहाँ पे ये लोग बोल को राशन नहीं देंगे जब तक वो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट हमें देते नहीं है, और फिर बहुत हल्ला मच गया था ऑनलाइन इसलिए उन्होंने रोक किया। पर ये हम देख रहे हैं गवर्नमेंट हमें आके बोल रही है कि वैक्सीन वॉलंट्री है आपकी मर्जी से ले रहे हो, पर ये वॉलंट्री है इसका मतलब यही है कि ये लोग कह रहे हैं कि आपके घर पे कोई आके आपको फोर्सफुली बंदूक रख के वैक्सीन नहीं लगाने वाला, नहीं पर लगाने वाला, कंडीशंस डाल हमें रहे, जो चीजें हमें चाहिए जीने के लिए ये लोग वहां पे हम पे फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपको ट्रैवल करना है आपको अगर कोई देश में जाना है तो वैक्सीन पासपोर्ट लगाना पड़ेगा। ओके इज इट माय इंटरनेट, ओके कोई बात नहीं, चलो कि अगर आपको दूसरे स्टेट में जाना है तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन हम पे डाली जा रही है। कल ये लोग आके, कल की बात क्या है, आज ही हो रहा है, एम्प्लॉयर जो है जो लोगों को हायर कर रहे हैं वो अभी आके बोल रहे हैं कि अगर आपको काम करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, और कंपनी पे प्रेशर डाल रही है इनके एम्प्लॉयज को वैक्सीनेट करने के लिए। सो ये सारी चीजें पहली बात हो रही है ऐसे प्रोडक्ट पे जहाँ पे अगर किसी को कुछ हो इसके बारे में, पहली बात तो ये लोग लिंक कंसिडर नहीं करते कि वैक्सीन की वजह से कुछ हुआ है, और अगर यू नो कुछ होता भी आप नॉलेज भी करते हैं तो ऑफिशियली इनको कोई भी मतलब पैसा देने की जरूरत नहीं है लीगली। सो आप सोचो कि आप लिटरली गिनी पिग बन रहे हो, अगर आपको कुछ होता है अभी वैक्सीन लेने के बाद तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ है एंड दे हैव नोवेयर टू गो सन। लाइक पर्सनली मैं जानता हूं लोगों को जिनके फैमिलीज में इंजरी हुई है और इट्स वेरी सैड बिकॉज दे लिटरली आर हेल्पलेस, मतलब नो वन देयर हेल्प देम, ये लोग कोर्ट में जाके इनको सू नहीं कर सकते एंड देन लिटरली दे आर लेफ्ट टू सफर बिकॉज इनके परिवार वाले गुजर गए उसको लेकर। सो देयर आर यहाँ मेनी अगर मेनी देखो, यहाँ सिर्फ आप और मैं नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो शेयर करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ वीडियोस भी आए काफी लोगों के जो बोल रहे हैं, काफी सेलिब्रिटीज भी बोल रहे हैं जो कि हमारे आई थिंक सोनू निगम का वीडियो है जो उन्होंने बोला कि ब्रदर इन लॉ लाइक रियली रियली सैड टू हियर दिस, बट हिज ब्रदर इन लॉ पास्ड अवे आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, बट नाउ बी देयर सेइंग इट्स नॉट द वैक्सीन। उनका कंफ्यूजन है कि बिना वैक्सीन के भी डेथ हो रहा है, वैक्सीन के साथ भी डेथ हो रहा है, तो वैक्सीन किस बात क्यों डेथ हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत लोग लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकली बेसिस पे मतलब हमें सब देशों में देखने को मिल रहा है कि दो दो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोगों को पॉजिटिव आ रहे हैं, दो दो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग हॉस्पिटल, दो दो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं और दो दो वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर रहे हैं। ये लोग को फिर दो वैक्सीन लगा के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कोविड से मर गए, सो वो लोग कोविड के कैटेगरी में आ जाते हैं बेसिकली, और यू नो सो इट्स वेरी सैड व्हाट्स हैपनिंग। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि जो कंपनी यहाँ पे हमारी वैक्सीन को डिजाइन किया है जो भारत में कोविशील्ड दी जा रही है उसके मैन्युफैक्चर जो एस्ट्राजेनेका है, मतलब भारत में तो पूरा वाला उसको बना रहे पर दे हैव अ टाई अप विद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। सो एस्ट्राजेनेका की अगर आप हिस्ट्री देखोगे सो उनको बहुत सारा टाइम बेसिकली उन्होंने लॉसूट्स लूज किया है, और ये सीरियल फेलन्स है, मतलब इन्होंने कोर्ट में लॉसूट्स लूज किए हैं इसके ऊपर के उन्होंने इंटेंशनली ऐसे ड्रग्स बेचे हैं मार्केट में जिनसे उनको पता था कि इनके साइड इफेक्ट से लोगों को नुकसान होगा इससे।
और तो ये कंपनी कौन ट्रैक कर रहे हो, सिर्फ एस्ट्राजेनेका की बात नहीं है, फाइजर का भी सिमिलर हिस्ट्री है, जॉनसन का भी सिमिलर, जॉनसन जॉनसन का भी सिमिलर हिस्ट्री है, मॉडर्ना का भी, मतलब इन्होंने फाइंड आउट, तो ऐसी कंपनीज को हम ट्रस्ट कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है, हम इनको सू नहीं कर सकते अगर इनके प्रोडक्ट से हमें कुछ नुकसान होता है, और पास्ट में इनके ऊपर मतलब इतने सारे फाइन्स लगे हैं ऐसे बिहेवियर के ऊपर, तो हम मतलब इनको ट्रस्ट क्यों करें बेसिकली, ये कह रहे हैं हमें ट्रस्ट करो, हम आपकी भलाई के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, सो ऑनेस्टली अगर लाइबिलिटी नहीं है तो ट्रस्ट नहीं, अगर ये लाइबल है तब हम जाके इनको कुछ लेवल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो हम इन पे एक्शन ले सकते हैं। वही लोग बोलते हैं कि वैक्सीन से कोविड का जो इंपैक्ट है वो कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेसिकली? जो मेरे फैमिली में जितने भी रिलेटिव्स हैं जिन्होंने भी वैक्सीनेट किया अपने आप, और कुछ तो है भी नहीं क्योंकि वैक्सीनेशन के 3-4 दिन बाद वो गुजर गए। में हम क्या देखा है उसके बारे में हम बात करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि वैक्सीन के एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। सो अगर आप देखोगे, सो मतलब हमारे हम हमारी देश की बात करते हैं, ठीक है, कोवैक्सीन की और एस्ट्राजेनेका की, मतलब जो पुणे पुणे वाला जो बना रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है उसका नाम कोविशील्ड है, वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही है, मतलब अब्रॉड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी जा रही है ये कोविशील्ड ही है, मतलब देयर इज बेली एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, ये मतलब इनका टाइप हुआ है और पुणे वाला जी इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो जब एस्ट्राजेनेका ने अब्रॉड एफडी यूएस एफडीए को डेटा भेजा था तो इसमें काफी सारे गैप्स थे, ये डेटा में ये नहीं देखा गया कि 18 से उम्र से कम और 55 से उम्र से ज्यादा लोगों को क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इनको स्टडी नहीं किया गया, तो इन पे ट्रायल्स नहीं हुए हैं। फिर जो गर्भवती महिला है, जो प्रेग्नेंट मदर्स है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, इन पे स्टडीज नहीं हुई है, ये जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इन पे कोई डेटा नहीं है, मतलब हम 18 से 55 ईयर के हेल्दी लोगों को ट्रायल में डाल रहे हैं और फिर हम उसके बेसिस पे सबको वैक्सीन लगा रहे हैं, जब ये दिखा ही नहीं गया है कि उनके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं। फिर मैं आपको कुछ शॉकिंग चीजें बताऊंगा, जो आई नो आप भी शॉक थे जब आपने ये मुझे फोन पे बोलते हुए सुना, पर ये ट्रायल्स में दिखा नहीं गया है कि कोविड का फैलाव कम होता है, मतलब ट्रायल्स में दिखा ही नहीं गया, मेजर ही नहीं किया गया है कि कोविड का ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन फैलने से रुक रहा है, अभी को ये न्यूज लगेगा, पर ये आप ऑफिशियली जाके देख सकते हो, ट्रायल के डेटा में ही आप जाके देख सकते हो कि वैक्सीन का कोई एविडेंस नहीं है कि ये बीमारी के फैलाव को रोक सकता है, और ये इतना महत्वपूर्ण है बिकॉज अगर ये फैलाव को रोक नहीं सकता तो मैंडेटरी चीज की तो बात ही नहीं आती, बात ही नहीं आती बिल्कुल। हम मैंडेटरी वैक्सीन की बात करते हैं जब हम ये कहते हैं कि ठीक है आप स्वस्थ हो, आपको वायरस हो जाएगा, आप ठीक हो गए, बट मे बी आपसे किसी बूढ़े को फैल जाएगा या किसी ऐसे आदमी को फैल जाएगा जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है और वो आपकी वजह से मर जाएगा, इसके लिए हम वैक्सीन मैंडेटरी वैक्सीन की लोग बात भी करते हैं, पर यहाँ पे तो ये नहीं कर सकते ये लोग, बिकॉज इसका कोई डेटा है ही नहीं, ट्रायल्स में मेजर ही नहीं किया गया कि एक्चुअली संक्रमण को फैलाने से रोकता है कि नहीं, बस ट्रायल में इतना दिखा गया है कि ये क्या सिम्टम्स कम करता है कि नहीं करता है, और उसमें भी बहुत बड़ा डिबेट है जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता, बट एट बेस्ट बेनिफिट ऑफ डाउट, एट बेस्ट ट्रायल्स में इतना ही देखा गया है कि वैक्सीन लगाने से सिम्टम कम होते हैं या नहीं होते। मैं एक और फ्रॉड बता दूं आपको, ट्रायल्स में जो कोविशील्ड के ट्रायल्स हुए थे एस्ट्राजेनेका के, इसमें अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो अगर आपको कोई नया वैक्सीन बनाना है और उसकी सेफ्टी आपको दिखानी है कि ये सेफ है, तो आप एक ग्रुप रखोगे जिसको वैक्सीन मिल रहा है और एक ग्रुप रखोगे जिसको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, और फिर आप दोनों ग्रुप देखोगे किसको क्या हो रहा है, राइट? प्रैक्टिकली थिंक अबाउट द फ्रॉड, एक ग्रुप उन्होंने नया थिंक अबाउट द फ्रॉड, एक ग्रुप को उन्होंने नया वैक्सीन दिया मतलब कोविशील्ड दिया, दूसरे ग्रुप को उन्होंने पिछला वैक्सीन दिया, सो व्हाट हैज हैपेंड इज ये लोग देख रहे कंपैरिजन में कि कंट्रोल ग्रुप जिनको पुराना वैक्सीन मिला है उसके कंपैरिजन में नए ग्रुप में कितना ज्यादा डेथ हो रहा है, कितना ज्यादा है। सो अगर आप दोनों ग्रुप को वैक्सीन देने वाले हो और दोनों के साइड इफेक्ट इन्हों मिलते चलते हैं, सो आपको सेम दिखेगा ना, मतलब अगर एक ग्रुप में 5 लोग मर रहे हैं और कंट्रोल वाले में भी 5 लोग मर रहे हैं, तो आप बोलोगे कि वैक्सीन सेफ है, करेक्ट करेक्ट, एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड में, जो बिल्कुल, ट्रायल हुआ नहीं, तो इसकी सेफ्टी के बारे में वो ट्रायल अभी चल रहा है तो, टू बी ऑनेस्ट वो ट्रायल देख रहे हैं बिकॉज ये ट्रायल्स में बेसिकली ये प्लसीबो यूज नहीं किया, इसको प्लसीबो बोलते हैं कि आप एक ग्रुप को सॉल्ट वाटर दो या शुगर वाटर दो और इतने ग्रुप को वैक्सीन दो, तब आप जाके देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तब आप जाके बोल सकते हो कि अगर जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उसको कोई ज्यादा डेथ्स नहीं हुए जो पानी वाला ग्रुप था उसके कंपैरिजन में, तब आप जाके बोल सकते हो कि सेफ है ना, बिकॉज नॉर्मल लोगों को भी कुछ नहीं हो रहा और वैक्सीनेट वाले को भी कुछ नहीं हो रहा, पर ये लोग पुराने वैक्सीन से कंपेयर करेंगे तो जो साइड इफेक्ट्स है वो छुप जाएंगे बिकॉज वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड लोगों की समझने की जरूरत है। फिर इस पे और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, जो ट्रायल का डेटा है एक्चुअल रॉ डेटा अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया, तो ये स्टडीज एक टाइप की मार्केटिंग है जहां पे इनके ही लोगों ने बैठ के लिखा है, खुद कंपनी वाले बैठ के अपनी स्टडी लिख रहे हैं और जो एक्चुअल डेटा है जो रॉ डेटा जिसको बोलते हैं साइंस में वो अभी तक इन्होंने शेयर नहीं किया है, इस पे कोई लॉन्ग टर्म सेफ्टी स्टडी नहीं है, मतलब इस पे काफी छोटे समय के लिए स्टडी किया गया है, आप देखोगे तो वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में बनाए गए हैं, वैक्सीन को यूजुअली 4 से 5 साल लगते बनने के लिए और मे बी टाइम लगा है, कुछ वैक्सीन को 10 साल लगा बनने के लिए, ये वैक्सीन लिटरली 1 साल से कम में बन गया है, एनिमल ट्रायल्स पूरी तरीके से स्किप हुए, तो इस पे कोई भी लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, इस पे ये इवैल्यूएट नहीं किया गया है कि वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या फर्क पड़ेगा, फर्टिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट की ही नहीं गई है, सो हम जानते भी नहीं है कि अगर 2-3 साल के बाद वैक्सीन का कुछ इफेक्ट हुआ वो हमें 2-3 साल के बाद देखने को मिलेगा, इसलिए आप सही हो कि अभी हम पे ट्रायल लिटरली ट्रायल चल रहा है, लाइफ ट्रायल चल रहा है कि वैक्सीन के बाद क्या होने वाला है, राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग में वैक्सीन के बारे में, इफ आई कैन जस्ट यू नो से दिस मेन पॉइंट, आई थिंक लोगों को समझने की बहुत जरूरत है, इन्होंने कोरोना वायरस पे वैक्सीन बनाने की 20 साल से कोशिश की, दे सिंस 20 इयर्स दे ट्राई टू मेक वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस एंड दे ऑलवेज फेल्ड, बिकॉज ये फिनोमेना इनको देखने को मिलता है कि जब ये लोग वैक्सीनेट करते हैं, मतलब पास में कोरोना वायरस थे जैसे मैं बता रहा था सार्स मर्स दूसरे कोरोना वायरस थे, उनके लिए ये लोग 20 साल से वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और डेंगू के लिए भी सेम चीज देखा, यू नो आरएसवी वायरस है उसके लिए भी सेम चीज देखा कि ये लोग वैक्सीन देते हैं तब एंटीबॉडी तो बराबर बनती है, मतलब हम लोग वैक्सीन क्यों दे लोगों को, क्योंकि हमें चाहिए कि एंटीबॉडी बने ताकि ये वायरस से प्रोटेक्ट करे फ्यूचर में लोग, पर इन्होंने पास में क्या देखा है कि ये लोग जानवरों को या ह्यूमंस को जब ट्रायल किया है वैक्सीन देकर एंटीबॉडी तो बराबर बनती है, पर ये एंटीबॉडी उनकी मदद करने के बदले वायरस की मदद करती है, तो आप इसको सोचोगे तो मैंने सोचो आपको अभी मैंने कोरोना वायरस का वैक्सीन दे दिया और मैंने मेजर किया कि भाई आप में एंटीबॉडीज अच्छे बने, पर वो एंटीबॉडीज फ्यूचर में ये लोग क्या देख रहे हैं कि जब आप वायरस के नेचुरल कॉन्टैक्ट में आए, जब आपको नेचुरली कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक्सपोज हुआ, तब आपका इम्यून सिस्टम की बेसिकली मदद करने के बदले वो एंटीबॉडीज वायरस की मदद कर रहे हैं और वायरस को फैलने में और मदद कर रहे हैं और उससे एक्सेलरेटेड डेथ हो रहा है लोगों का, ये 20 साल में कंटिन्यूसली देखा गया कि एनिमल इधर बहुत बीमार होते हैं बाद में या मर जाते हैं वैक्सीन लेने के बाद, बिकॉज वो नेचुरल वायरस से डील नहीं कर पाते और वर्स हो जाता है उनका इन्फेक्शन 2 टाइम वर्स हो जाता है, और ये अभी के वैक्सीन में इवैल्यूएट किया ही नहीं गया है, तो
there's a very real risk. इसके बारे में scientific papers भी published है, ये सिर्फ मेरी theory नहीं है, but there's a very real risk के vaccine लगने के 6 महीने से 1 साल बाद, जब हम variant के exposure में आए, जो variant की बात कर रहे हैं, जब हम actually में coronavirus के exposure में हम आए next season में, ताकि इसके outcomes worse होंगे, because हमारा immune system ये basically antibodies मदद करने के बदले virus की मदद करेगी. ये बहुत ही risk है जो हम देख सकते हैं कुछ महीनों जी, कुछ महीनों में दिखेगा, अभी नहीं पता चलेगा. और so, मेरे को एक question आ रहा था योहान, पहले एक तो सेकंड इसके बाद स्ट्रेन की बात करेंगे, क्योंकि काफी लोग स्ट्रेन बोल रहे हैं, स्ट्रेन आते रहता है, तो बोलेंगे फिर वैक्सीन करना पड़ेगा क्या. ओके सो वी गेट टू दैट लेटर. सो बेसिकली मुझे मुझे क्या है, मैं आई जस्ट गो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो अगर वो बोलते हैं कि बिफोर टेकिंग द वैक्सीनेशन, अगर आपके पास आपके बॉडी में कोई इशू है फॉर एग्जांपल, तो बोलते हैं प्लीज कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग द वैक्सीन. व्हाई डू हैव टू कंसल्ट टू टेक द वैक्सीन इफ यू आर सो श्योर अबाउट द वैक्सीन कि वो वर्क करेगा ही करेगा, देन व्हाई डू हैव टू कंसल्ट इन द फर्स्ट प्लेस. कंसल्ट करने की जरूरत ही क्या, अगर वैक्सीनेशन की वैक्सीन अगर इतनी पक्की है कि वर्क करेगा करेगा, तो फिर कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है. लोग ऐसे बोले जा रहे हैं कि लो या नहीं लो हम बस बोल रहे हैं प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर डूइंग इट बिफोर टेकिंग द वैक्सीन प्लीज स्टडी एवरीथिंग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस की क्यों आपको वैक्सीन लेने की जरूरत है कि नहीं है, कंसल्ट. लेकिन बट अगेन, अगर वो इतना श्योरिटी से बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, आपको ले लेना चाहिए, तो फिर साथ में ये क्यों कंसल्ट करिए डॉक्टर. ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे अगर कुछ होता है आपको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो भाग रहे भैया, ये क्या है. सो हर जगह से उनका एस्केप हो रहा है. सो विच इज व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. नहीं सर, ये पॉइंट इज वेरी क्लियर. मैं इतना भी बताना चाहूंगा उसके लिए कि बहुत सारे लोग जो है जो अभी तक वैक्सीन में विश्वास रखते थे, वो भी अभी जाके अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. आप जाके माइक ईडन को सुन सकते हो, वो फाइजर में एक्स प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा करते थे, फाइजर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रहा करते थे. उन्होंने आके ये बोला है कि वैक्सीन बेसिकली यू नो इररिस्पॉन्सिबली गवर्नमेंट फैला रही है, जब इसके इतने सारे रिस्क है और उसकी एफिकेसी प्रूव नहीं है. ये फाइजर के एक्स बेसिकली बोल रहे हैं. ऐसे बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग आए हैं, गीत वैंडन बॉश नाम के एक आदमी है जो मतलब दुनिया के बहुत ही प्रोमिनेंट वैक्सीन प्रमोटर है, जो अभी तक वैक्सीन को बहुत प्रमोट कर रहे थे, वो अभी आके बोल रहे हैं कि कोविड वैक्सीन बेसिकली वायरस को डेंजरस म्यूटेशन होने के लिए और फोर्स कर सकता है, और ये वैक्सीन बेसिकली एंटी जो वायरस है उसको रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है. मतलब वायरस जो है वो वैक्सीन के रेजिस्टेंट में आ जाएगा, मतलब वैक्सीन काम नहीं करेगा वायरस के अगेंस्ट. सो यू नो ये इतने सारे जो लोग थे अभी मेडिकल कम्युनिटी में जो वैक्सीन में मानते भी थे, वो भी अभी आके दुनिया के स्तर पे बोल रहे हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, ये प्रूवन नहीं है और ये बहुत ही रिस्की है, बिकॉज ये लोग टोटली नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. इसमें मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर मैं बस व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो अभी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे. ये लोग एक टाइप की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसको एमआरएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है, इसके कभी भी पहले एमआरएनए वैक्सीन अप्रूव नहीं हुए थे. ये पहली बार है जो एमआरएनए वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, और इसका बहुत ही रियल रिस्क है जो साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपके जीन्स को म्यूटेट कर सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं डेफिनेटली करेगा, पर ये साइंटिस्ट ने रिस्क एक्नॉलेज किया है कि वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का भी रिस्क है इसमें, और अगर आपके जीन्स यू नो म्यूटेट हो सकते हैं उस वैक्सीन की वजह से, तो डाउनस्ट्रीम जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या हो सकता है. हमें पता ही नहीं है, ये लिटरली एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी हम पे. सो आई वुड जस्ट से व्यूअर्स के लिए, हमने भारत में आपको लग रहा होगा ये हम कुछ नॉनसेंस बक रहे हैं, बिकॉज आपने कभी ये बात सुनी नहीं है, बट दुनिया भर में देयर आर एमडीज, वायरोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, यू नो वेरी वेरी लाइक यू नो पीपल हु हैव लॉट ऑफ रेपुटेशन, जिनके नाम के बाद बहुत सारे लेटर्स है, जो वैक्सीन में पहले विश्वास करते थे बहुत सारे, पर बिकॉज ये कोविड वैक्सीन इतने एक्सपेरिमेंटल है, इसके इतने सारे रिस्क है, और ये लोग दुनिया पे सब पे मैंडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स दुनिया भर में आके बोल रहे हैं.